उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार की ओर से जारी ओबीसी आरक्षण को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रद्द कर दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने तुरंत चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट के इस फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी, फिर चुनाव कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करवाएगी। इसके बाद ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जा सकेगा। अगर जरूरी हुआ तो राज्य सरकार हाईकोर्ट के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सुप्रीम कोर्ट में अपील भी करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा का कहना है कि बिना ओबीसी आरक्षण यूपी में निकाय चुनाव नहीं होने देंगे। अगर जरूरत पड़ी तो हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा।